थर्ड सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4a plus big bracket 2a minus curly bracket 3b plus small bracket 3a minus 2b फिर small bracket फिर curly bracket फिर big bracket। तो पहले हम लोग small bracket सॉल्व करेंगे फिर curly bracket फिर big bracket। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहले 4a plus big bracket फिर 2a minus curly bracket थ्री बी प्लस फिर थ्री ए माइनस टू बी। कुछ नहीं होगा है क्योंकि लाइक टर्म नहीं है। तो अब हम लोग ये ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो हो जाएगा थ्री ए माइनस टू बी फिर कर्ली ब्रैकेट थी और फिर बी ब्रैकेट। फिर अब हम लोग ये वाले में टू बी और थ्री बी वाले को सॉल्व करेंगे। तो फोर ए प्लस बिग ब्रैकेट फिर टू ए माइनस कर्ली ब्रैकेट फिर थ्री बी में माइनस टू बी को माइनस करोगे तो हो जाएगा वन बी। तो वन बी को आप चाहो तो बी भी लिख सकते हो। तो बी प्लस थ्री ए फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज फिर बिग ब्रैकेट। फिर अब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो फोर ए प्लस बिग ब्रैकेट फिर टू ए माइनस कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो b प्लस थ्री ए तो b प्लस थ्री ए फिर बिग ब्रैकेट क्लोज। फिर तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ है तो ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। तो फोर ए प्लस बिग ब्रैकेट फिर टू ए माइनस बी माइनस थ्री ए तो माइनस थ्री इसको करोगे तो हो जाएगा माइनस वन ए। तो चाहो तो उसको माइनस ए लिख सकते हो फिर माइनस बी फिर बिग ब्रैकेट क्लोज। फिर फोर ए प्लस इसको खोलेंगे तो प्लस में माइनस इंटू करोगे तो माइनस हो जाएगा तो माइनस ए फिर माइनस बी। फिर अब हम लोग ए में ए को माइनस कर देंगे तो इसका मतलब वन ए होता है तो ये हो जाएगा थ्री ए माइनस बी। तो ये आ गया हमारा ए एन एस आंसर थ्री ए माइनस बी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।